ओके सो नाउ वी विल गो फॉर द लेटर्स, ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन से लेटर्स है कि आप इसमें कवर अप कर सकते हो, ठीक है. सो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर्स को जो भी अलॉटमेंट किए गए हैं उसके लिए लेटर, उसके बाद लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी एग्जैक्ट डिबेंचर होल्डर्स है उनके दिए गए कैपिटल किए गए क्रेडिट के ऊपर उनको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके रिगार्डिंग लेटर, इसके लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, यानी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इंटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है. अब ये जो तीन लेटर है ये आप कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको एक सिंपल लेटर से आपको तीनों भी लेटर्स के मैं आइडिया दे दूंगी. सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले मिडल में उस लेटर के मिडल में कंपनी का नेम लिखना है, उसके बाद उसका कंपनी का एड्रेस एंड कंपनी का ईमेल एड्रेस, ठीक है. ये तीन चीज़ें हो गई तो उसके बाद राइट हैंड साइड में डेट लिखनी है और लेफ्ट हैंड साइड में उस कंपनी का टेलीफोन नंबर, ठीक है. उसके बाद रेफरेंस नंबर जहाँ से आपको ये मिला है रेफरेंस, उसके बाद उस डिबेंचर होल्डर का नेम, उसका एड्रेस एंड जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे राइट इट डाउन करना है. उसके बाद डियर सर एंड जो भी हमारा एग्जैक्टली टॉपिक है उसके रिगार्डिंग दो तीन लाइन लिखना है और फिर उसका एग्जैक्टली फोलियो नंबर, ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ डिबेंचर कि कौन सा वाला नंबर ऑफ डिबेंचर है, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर कहाँ से लेके कितना है, यानी कि अगर उसके पास अगर 5 डिबेंचर्स है यानी फ्रॉम 1 to 5 या फिर 301 to 305 से जो भी डिस्टिंक्टिव नंबर दिया गया होगा वो हमें वहाँ पे पुट ऑन करना है. उसकी ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है, उसको TDS कितना है वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है. उसके बाद उसका नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड इंटरेस्ट वारंट नंबर, जो वारंट नंबर उसका होगा वो, एंड उसके रिगार्डिंग और दो तीन लाइन लिखना है और उसके साथ क्या कैसे डॉक्यूमेंट वो एनक्लोज यानी अटैच करने उस लेटर के साथ, ठीक है. वो सारी चीज़ें सेक्रेटरी जो है वो मेंशन कर देता है, ठीक है. तो वो यहाँ पे लिखना है एंड बस उसके बाद योर्स फेथफुली. ऐसे एक लेटर से आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो तीनों लेटर्स है वो आप कैसे लिख सकते हो. दिस इज द सिंपल फंडा, ये आप फॉर्मेट में ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, तो फिर भी आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. ओके सो अभी लास्ट लेटर, ठीक है, लास्ट लेटर क्या है, लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. जो भी एग्जैक्टली जो कैपिटल जो एग्जैक्टली जो डिबेंचर होल्डर ने कंपनी में लगाया है वो भी उसको रिटर्न बैक मिलेगा. उसके रिगार्डिंग सेक्रेटरी जो एग्जैक्टली डिबेंचर होल्डर को जो लेटर भेजेगा वो भी हम लेटर देखेंगे वो लिखना कैसे है, ठीक है. एज ऑलवेज कंपनी का नेम इन द मिडल ऑफ द लेटर, उसके नीचे उसका एड्रेस कंपनी का, उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस, अगेन राइट हैंड साइड में डेट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में टेलीफोन नंबर रेफरेंस नंबर, उसके बाद उस डिबेंचर होल्डर का नेम एड्रेस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आएगा लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है. उसके डियर सर एंड जो भी उसका कंटेंट होगा वो, उसके साथ क्या अटैच करना है इनक्लोज करना है वो, एंड योर्स फेथफुली. दिस वे आपका जो लेटर वो कंप्लीट हो जाता है. ओके okay?